गांव नेकोरा ब्लॉक महरौनी जिला ललितपुर गांव नेकोरा के लोगों का आरोप है कि यहां पर करीब 70 परिवार रह रहे हैं और इस यहां पर की जो भी गलियां हैं तो कीचड़ से भरी हुई हैं। इन लोगों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ रहा है और इन लोगों ने कई बार मांग भी की है, प्रधान जी से मांग की है, BDO साहब से मांग की है, पर इन लोगों को हर बार यही आश्वासन मिल जाता है कि हाँ आप लोगों के यहाँ CC रोड हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये CC रोड क्यों नहीं हुआ है? किस तरह CC रोड का बहन जी बहुत से आप हम कह रहे हो बहुत कर, अब प्रधान आवे प्रधान माई के मैं लौट जा ना कोई नहीं आवे कहाँ आऊ देते माँ से ना नहीं आऊ बहन जी आओ सब माई के मैं चले जाते तो कहो इतना काम लगा तो कोई लेबर चमोला में किसी को काम खो नहीं बोलते, बड़े बड़े आदमी को काम खो बोलते कि हाँ तुम करो अपने हल्के आदमी को काम को नहीं बोलते। हाँ किस तरह की दिक्कतें होती है इस रास्ते? अब बहुत दिक्कत है, देखो निकलने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, ये तो सब मन में बहुत दूर पानी को ना जाने या तो ना जाने बड़ी परेशानी है बहन जी। इस बार रास्ते को जो है कह दिए नायदा बसा रहे बहन जी, कीच मच रही, बच्चा निकल रहे तो बेबी गिर रहे, बूढ़े आदमी निकल रहे तो बेबी गिर रहे, चारा पूरा घास कूड़ा लेके आवें पानी लेके आवें तो खेप लेके गिर जावें, जे परेशानी है बहन जी, जे गंदगी बसा रही, प्रधान से कह दें वैसे कह दे के करा दें, जब आवे अड्डियों साहब आवे देख जावे नाप जावे तो वो माई लौटा देवे, कुछ नहीं करा सब हमसे, हमारी गली में जे परेशानी है, आपको हमें जे चज्जे के जो CC रोड या नाली चज्जे बन गो पानी चज्जे। कितने सालों से परेशान है इस रास्ते? बहुत 25-30 साल हो गई दीदी हमें इतने रहता, जब से उन्हें रोड नहीं बना, 2 बार प्रधान जीत गा कह दे के हम तो अपने पैसा से जीत गा, तुमने नहीं जितवाए। तो आपके यहाँ का ये खड़ंजा या CC रोड क्यों नहीं हुआ है, क्या कारण है? ये हुआ नहीं, जब से हम आए हैं यहाँ पे हमारे पापा ने कभी CC नहीं देखा है चमोला साइड में, गांव में तो हो ही चुका है, प्रधान ने करा दिया है, 100 आदमी निकलते हैं चमोला के। ठीक है, चमोला में कहीं भी नहीं हुआ है पीछे, क्या कारण है इसका? जी हमें कोई पता नहीं है, करते नहीं है और पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या क्या दिक्कतें होती हैं इस रास्ते से आप लोग? कीचड़ कीचड़ पिचर होती है और पानी बहता निकलने में परेशानी होती है। ठीक है, और ये चौतरियाँ भी खुद जाती हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं, और नल तो हमने देखा ही नहीं है, मैं 20-22 साल का हूँ, मेरी अखबार में कभी नल नहीं देखा है मैंने, अहलाबाद समाज में कहीं भी नहीं लगा है। जैसे ट्रैक्टर वाहन आता है तो यहीं ठट जाता है रास्ते में, यही जैसे कुछ लाएँ तो गुम्मा उम्मा वगैरह काम वाम लगाएं तो उधर ही ट्रैक्टर ठक जाता है, इधर से सामान ढूंढना पड़ता है आगे। और कितने लोग निकलते हैं इस रास्ते से? इस रास्ते से कम 20-30 परिवार निकलते हैं, जितने मकान बने आगे सभी निकलते हैं इधर से। तो इसको लेकर के आप लोगों ने मांग नहीं की है? बहुत की है, लेकिन सभी लोग कहते हैं, लेकिन कत के इधर मट्टी डलवा दो तो वो नहीं डलती है, प्रधान से कहते हैं कत के जो CC रोड डलवा दो, सब कहते हैं डल जाएगा फिर डलता नहीं है। तो आपके गांव में CC रोड को लेकर विकास में जो भी है कितना बजट आया है विकास को लेकर के? बजट तो नहीं आता है, बजट लगभग राजभेद 14 से भी आता है, और हम लोग नरेगा से भी करके उसका भी 60-40 का रेशियो रहता है, उसमें से कुछ अपना CC वगैरह पक्के काम करवाते हैं, तो हमने नरेगा से भी कम से कम 950 मीटर CC करवाया था और राजभेद 14 से करवाया था। अभी आपके ऐसे कहाँ बस्ती रह गई है जहाँ CC रोड की ज़रूरत है? ददौली रह गई और हरजन बस्ती रह गई, और ये मेन रोड से हनुमान जी इमरत लौकनिया के द्वारे तक वहाँ पर रह गया। एक ऊपर से ही लक्षता के जो पैसा है राजभेद 14 का, इसका पैसा आपको स्कूल में लगाना है टाइल्स के में, तो अभी तो वहाँ पर पूरा स्कूल पर फोकस दिया जाए, स्कूल ने पूरा पैसा खर्च किया है, अब जैसे ही अगला बजट आएगा तो CC अब जब भी आएगा सितंबर या दिसंबर के लगभग आएगा तब वो CC में लगा दिया जाएगा। उसी को लेकर के आज मैं BDO साहब से इस में बात करने के लिए आई थी, तो BDO साहब से मिलने की बहुत कोशिश की है, ना BDO साहब मिले और ना ADO पंचायत भी नहीं मिले। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।